खबर नागौर की रियाबंडी से है, जहां मेड़ता के पूर्व विधायक मांगीलाल डांगा की ओर से कोरोना से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कराया जा रहा है। इस कड़ी में पादुखुर्द सहित कई गांवों में प्रशासन को मशीन्स भी उपलब्ध कराई गई और छिड़काव करके इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक डांगा ने इस पर कहा कि सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूर्णतया पालन किया जा रहा है और पूरे नागौर जिले में जहां भी फाल्कन मशीन्स की जरूरत होगी तो इसे वहां भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पूरा विश्व इस समय कोरोना वैश्विक महामारी संकट से जूझ रहा है। इसी बीच क्षेत्र में एक आशापुंज बन के उभरे हैं इफ्को के निदेशक व भूतपूर्व विधायक मांगीलाल डांगा। मांगीलाल डांगा ने ये संकल्प लिया है कि क्षेत्र में इस संक्रमण का फैलाव कम से कम हो, इसके लिए इन्होंने फाल्कन मशीनें उपलब्ध करवाई है। आइए हम बात करते हैं पूर्व विधायक मांगीलाल डांगा जी की। बताइए, आज जो देश में जो कोरोना की महामारी फैल रही है उसमें हमने ये सोचा है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। मैं यहाँ से पूर्व विधायक रहा हूँ और अलग अलग जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो उन संस्थाओं में पदाधिकारी चेयरमैन पद पे भी हूँ और जनता से मेरा ये लगाव है, तो मैंने ये सोचा कि हम लोग जो भी जितनी भी कंपनियां और जो संस्थाएं जो हमारे साथ काम कर रही है उन सबका साथ लेकर के और प्रशासन का साथ लेकर के हम इसमें योगदान दें। और उसमें हमने ये तय किया है कि जो स्प्रे का काम है आज गांवों में देहात तक, जहाँ नगरपालिका क्षेत्र है वहाँ तो फिर भी नगरपालिका सक्षम है, कुछ करा सकती है, परंतु उनके पास भी इतने संसाधन नहीं है क्योंकि ये इतनी बड़ी महामारी है। तो इसलिए हमने सारा का सारा जो ये स्प्रे का काम लिया है, जिसमें हमारी कंपनी UPL है, इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव है ये, और मैंने ये सारा का सारा जो हमारे जो सहकारिता से जुड़े हुए जो भी जनप्रतिनिधि और जो हमारे जो कर्मचारी है वो इसमें लगे हुए हैं। और प्रशासन जहाँ पे मेड़ता के अंदर हम मेड़ता SDM साहब और जो भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी है उन सबको साथ लेकर के सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था क्षेत्र में वो संभालते हैं, और ये स्प्रे का काम है वो हम लोग करवाते हैं। और जो इसमें स्प्रे में जो भी है, चाहे वो दवा, सिर्फ दवा जो है वो तो सरकार की तरफ से दी जाती है, बाकी सारी जो लेबर हमारे टेक्नीशियन मशीन ये सारे काम कर रही है। और अभी मेड़ता क्षेत्र में 10 मशीनें हमारी इसमें काम कर रही है ताकि इस रोग हम कोरोना का मुकाबला बड़े जोर से कर सके और इसको कोरोना को हरा सके। सर, जिले के कई अन्य क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, आपकी क्या इसको लेकर कोई आगे योजना है कि अन्य क्षेत्रों में भी आप इस सैनिटाइज मशीन को पहुंचा पाए वहां पर, जिससे इसका संक्रमण कम से कम हो? हमारे लिए इसमें पूरा जिला जहां भी हम कर सकते हैं, सबसे पहले हमने उपखंड मेड़ता और उपखंड रियाबंडी लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्योंकि जब तक हम लगातार काम नहीं करेंगे ना, तो जैसे यहां से हम इस सारे क्षेत्र को निपटा लेंगे, सेंट्रलाइज कर लेंगे और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की जहां जहां मांग आएगी तो हम उसके लिए तत्पर हैं कि पूरे जिले में हम उसके लिए सहयोग करेंगे। कोई बात नहीं कि जहां भी है कि हमारा एक ही काम है कि इस महामारी का मुकाबला करना, उस मुकाबला में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को सहयोग देना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था कर रखी है और इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो जिस तरह से वो प्रसिद्ध प्रयत्न करके एक जननायक जो काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के मैंने भी ये हाथ में लिया है कि पूरे क्षेत्र में नागौर जिले में भी कराएंगे, परंतु तो सबसे पहले हम मेड़ता और इसको कवर करेंगे और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां हम जरूर मदद करेंगे।